दोस्तों, क्या आपने कभी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फेयर एंड लवली क्रीम को फैक्ट्री में बनते देखा है? या फिर क्या आपको पता है कि नेल पॉलिश फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाए जाते हैं और किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये किस तरह से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, फेयर एंड लवली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फेयर एंड लवली फेस क्रीम को बनाने के लिए लगने वाले सबसे ज़रूरी मटेरियल हैं स्टेरिक एसिड, स्टेरल अल्कोहल, डिस्टिल मोनोग्लिसराइड, सिटेल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएक्सिन टोलोइन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा एंड डिस्टिल वाटर। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बड़े से मिक्सर में आवश्यकता अनुसार मिल्क को डाला जाता है। फिर इसके बाद मिनरल वाटर को आवश्यकता अनुसार डाला जाता है। फिर इन दोनों मटेरियल को अच्छे से लगभग 15 मिनट तक मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद इस मिक्सर में फेयर एंड लवली के सारे इंग्रेडिएंट आवश्यकता अनुसार डाल दिए जाते हैं। फिर मिक्सर को चलाकर इन सारे इंग्रेडिएंट को उचित टेम्परेचर में अच्छे से मिक्स करके इनका अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। इस तरह से फेस क्रीम का कंपाउंड तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें एक अच्छी खुशबू के लिए एडिड फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है जो इसे एक अच्छी खुशबू प्रदान करता है, और इस तरह से फेयर एंड लवली का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इस पेस्ट को मशीन की हेल्प से पैकिंग कंपार्टमेंट में भेज देते हैं, जहां फेयर एंड लवली का खाली ट्यूब रहता है, जिससे मशीन इस बने पेस्ट को ऑटोमेटिकली इन फेयर लवली के ट्यूबों में भरते जाता है। ट्यूब्स भर जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें इनके ऊपर कवर चढ़ाने के लिए कंपार्टमेंट तक ले जाते हैं, जहां मशीन इनके ऊपर कवर चढ़ा देती है। और इस तरह से फेयर एंड लवली क्रीम मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर टू, नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस नेल पॉलिश को बनाने के लिए सबसे पहले कलर का सिलेक्शन किया जाता है। अब जिस भी रंग की नेल पॉलिश तैयार करना है उसको थोड़ी मात्रा में सबसे पहले बनाकर टेस्ट कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पाउडर कलर को सस्पेंशन बेस में मिक्स किया जाता है, जो इसे एक कांस्टेंट कलर प्रदान करता है। इसके बाद इसमें लिक्विड पॉलीमर मिलाया जाता है, जो इस नेल पॉलिश को कंसिस्टेंसी प्रदान करता है, जिस कारण नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छी तरह से चिपक जाती है। अब इस नेल पॉलिश को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में पास हो जाने के बाद इस पाउडर कलर को और सस्पेंशन बेस को लिक्विड पॉलीमर के साथ आवश्यकता अनुसार लेकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। और जैसे ही यह अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसे मशीन की हेल्प से फिलिंग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ नेल पॉलिश की खाली शीशियाँ सीधी लाइन में कन्वेयर बेल्ट में रखी होती है। उसके बाद इन सभी शीशियों में मेटल के छोटे छोटे बॉल डाले जाते हैं, जो इस नेल पॉलिश को तरल बनाए रखने में मदद करती है। इसके बाद इन सभी खाली शीशियों में नोजल के जरिए मशीन की हेल्प से नेल पॉलिश भरी जाती है, और साथ ही साथ दूसरे कंपार्टमेंट में नेल पॉलिश के लिए ब्रशेस तैयार किए जाते हैं, और इन ब्रशेस को नेल पॉलिश के केप पर रखकर अच्छे से सील कर दिया जाता है, और इस तरह से नेल पॉलिश पैक होकर मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है।